एस्ट्रोयोगी। पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में, अभी डाउनलोड करें। ओम हन हनुमते नमः। आज तारीख है 10 जनवरी 2023। जान लेते हैं आज का राशिफल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोयोगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। बिजनेस में होगा आज कितना प्रॉफिट, हेल्थ के लिए कैसा होगा आज का दिन, क्या मिलेगी आपको मनचाही नौकरी आज, या होगी आपकी अपने पार्टनर से मुलाकात। ऐसे हर सवाल का जवाब पाने के लिए डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप और पाएं 1 रुपए में अपनी पहली कंसल्टेशन, और वो भी 100% प्रिवेसी के साथ। आप जानते हैं 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार का आज का पंचांग। विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 और हिंदू पंचांग के अनुसार मास माघ है। कृष्ण पक्ष और ऋतु शिशिर ऋतु है। आज तृतीय तिथि दोपहर 12:09 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज अक्षुलेशा नक्षत्र सुबह 9:01 तक रहेगा, इसके बाद मघा नक्षत्र रहेगा। आज बनने वाला योग प्रीति योग सुबह 11:20 तक रहेगा, इसके बाद आयुष्मान योग लग जाएगा। आज चंद्रमा कर्क राशि में सुबह 9:01 तक गोचर करेंगे, इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस समय सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे। अगर सूर्योदय की बात करें तो आज सूर्योदय सुबह 7:15 तक होगा, सूर्यास्त शाम 5:42 तक होगा, आज चंद्रोदय रात 8:41 तक होगा। चलिए इसके बाद जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:49 तक रहेगा। अब बात कर लेते हैं राहु काल की। जिस समय किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, और आज राहु काल दोपहर 3:05 तक से शुरू होकर शाम 4:24 तक रहेगा, और आज सकट चौथ है। मेष राशि। मेष राशि के जातक सिंह राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण कोई जरूरी डिसीजन आज आपके पक्ष में होगा। आज ऑफिस में बहुत से लोगों का ध्यान आपकी तरफ होगा, बस ध्यान रहे कि आज आप अच्छे से तैयार रहे और अपने हर काम को बहुत अच्छे से रखें। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन आपके लिए रोमांटिक हो सकता है। आज दूसरों की गलतियों को अनदेखा कर सकते हैं। आज आपसी मतभेद दूर करने की कोशिश करें। अपने पार्टनर की गलती को माफ कर देने से आपके रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। करियर में आज आप अपने बॉस और कोवर्कर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपने प्रमोशन की उम्मीद को बढ़ाने के लिए आपको अपने रिलेशन को अच्छा करना चाहिए, इससे आपको सक्सेस मिल सकती है। फाइनेंस में अचानक आज सक्सेस मिल सकती है, फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं, इसके दम पर अपना टारगेट भी आप पा ही लेंगे। कोई नई योजना शुरू करने के लिए भी ये सही टाइम है। बिजनेस में कोई प्लानिंग कर सकते हैं। अपने सभी सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। हेल्थ में आज आप कफ और कोल्ड जैसी बीमारियों से बचने के लिए सावधानी बरतें। आज के लिए आपका शुभ समय दोपहर 2 से 3 बजे तक का है, तथा आज के लिए आपका शुभ रंग लाल है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक सिंह राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण अगर आप केपेबल हैं तो आज दूसरों को खुश रखने और उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करेंगे। आपको इस बारे में अलर्ट रहना चाहिए कि आपके कारण उन्हें कोई परेशानी ना आए। आपके आसपास के लोग आपके काम से आज प्रेरित हो सकते हैं। वहीं लव लाइफ की बात करें तो आज आपको अपने पार्टनर से कुछ गिफ्ट मिल सकता है। करियर में आज आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, उसके लिए आपको खुश होना चाहिए। ये पहचान बनाने के लिए आप बहुत समय से मेहनत कर रहे थे। आपके आसपास के लोग अगर आपकी मेहनत को ना पहचान सके तो भी आपको परेशान नहीं होना चाहिए। फाइनेंस में आज आप अपने खर्चे का ठीक हिसाब रखें। आज से आप हर छोटे बड़े खर्चे का पूरा पूरा हिसाब किताब रखें। हेल्थ में जिन्हें आप प्यार करते हैं आज आपको उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा। उनकी सेहत अच्छी रहेगी मगर उन्हें जांच की जरूरत भी है। नीला आज आपका लकी कलर है। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच का समय आपके लिए आज लकी होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक आज आर्थिक मामलों को लेकर थोड़ा चिंतित हो सकते हैं, जिससे आप बेचैनी महसूस करेंगे। आज ही अपने खर्चों की जांच अवश्य करें, बस सोच समझ कर रुपए खर्च करें, काम को ठीक से करें। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काम में आपको हेल्प करेगा।
अगर लव लाइफ की बात करें तो आज आपका पार्टनर आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा। इन परिस्थितियों में आप बेकार में बहसबाजी ना करें और अपने पार्टनर को समझें। करियर में देखें तो काम में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हैं और कुछ में थोड़ा रिस्क भी है। अब आपको ये निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। फाइनेंस में अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाने वाली योजनाओं के झांसे में आज न आए। अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए और अपना पैसा अभी बचा कर रखिए। आज थोड़ा संभल कर चले। हेल्थ में आज आपको अपने पार्टनर का ख्याल रखना होगा। गुलाबी दिन के लिए आपका भाग्यशाली रंग होगा। दोपहर 3:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच का समय आपका अच्छा समय माना जा सकता है। कर्क राशि के जातक आज दोस्तों और परिवार के साथ रह सकते हैं। आज टेंशन को कम करें। जिनके परिवार और दोस्त विदेश में रहते हैं तो आज आपकी उनसे मुलाकात जरूर हो सकती है। लव लाइफ की बात करें तो आज बात करके अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें। करियर में आज आप अपनी योजनाओं को कुछ समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। इस व्यक्ति की जितनी मदद आप लेना चाहें ले, इसमें जरा भी ना हिचके, इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। फाइनेंस में आज किसी नए काम को होशियारी से करें। आप पहले किसी से एडवाइस ले सकते हैं, बिना ठीक से पढ़े किसी भी कागज पर साइन न करें, ये आपको मुसीबत में डाल सकता है। हेल्थ में अगर आज आपका मन परेशान हो तो परिवार के साथ रहें, अच्छा लगेगा। दोपहर 2:30 से 4:15 बजे तक का समय आपके लिए अच्छा होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने या किसी अधूरे काम को पूरा करना हो तो इस बीच कर लें। सिंह राशि के जातकों का मन किसी बहस के कारण आज परेशान हो सकता है, तो लड़ाई करने से बचें। अपनी फीलिंग्स और रिलेशन के बारे में पार्टनर से बात करने से बिल्कुल भी ना घबराएं, वो आपकी बात जरूर समझेंगे। लव लाइफ की बात करें तो दोनों के बीच हाल ही में कुछ मन मुटाव हुआ था, लेकिन आज आप दोनों खुश रहेंगे। करियर की बात करें तो करियर में लंबी परेशानी के बाद आज आप अपने कोई जरूरी डिसीजंस ले सकेंगे। पूरी तरह से सोचने समझने के बाद आपने जो भी डिसीजन लिया है उसी पर काम करें। फाइनेंस में आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली हो सकता है, क्योंकि आपको कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। हेल्थ में आज आपको अपने परिवार वालों की सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। चिंता की कोई बात नहीं है, बस इतना ध्यान रहे कि आप उन्हें रेगुलर चेकअप के लिए लेकर जाएं। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक का शुभ समय है, तो उसके हिसाब से अपने कार्य की योजना बना लें। आज के दिन भूरे रंग का कुछ भी पहनने से बचें। कन्या राशि के जातक आज सिंह राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप में से कुछ लोग बेचैन हो सकते हैं। आप परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं, हो सके तो आपको अपना टाइम फैमिली के साथ बिताना चाहिए। वहीं लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन बहुत रोमांटिक होने वाला है। पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस आज अच्छे होंगे। आप अपनी रिश्ते की तारीफ कर सकते हैं। वहीं करियर की बात करें तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलकर आज आप काम कर सकते हैं और आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे। इससे आपको अपना टारगेट अचीव करने में भी सक्सेस मिलेगी। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी। आज किसी भी काम को क्रिएटिव या नए तरीके से करने की कोशिश करें। फाइनेंस में कुछ कारणों से आप जो चाह रहे थे वो आपको हासिल नहीं हो पाएगा। बिजनेस में आप में से कई लोगों को हैरानी होगी कि सब कुछ करने के बावजूद मनचाही चीज नहीं मिली। आज आप दूसरे ऑप्शंस भी देखने शुरू कर देंगे। हेल्थ में देखें तो दवाओं पर खर्चा करने से आज आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। हो सकता है घर में किसी के बीमार पड़ने पर आपको खर्चे करने पड़ जाए। आज के लिए आपका लकी टाइम है दोपहर 2 से 3 बजे तक का। बैंगनी कलर पहनने से आज आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तुला राशि के जातक सिंह राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपको आज अच्छा महसूस होगा। पिछले दिनों से चल रही थोड़ी टेंशन से बचकर चलने की कोशिश करें, इससे आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो आज आपस में गुस्सा न करें, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करें, उनको माफ कर दें, क्योंकि मतभेदों को बढ़ावा देने से आपस की दूरियां बढ़ेंगी, जो कि तनाव का कारण हो सकती है। वहीं करियर में देखें तो बिजनेस में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। बस अपनी एनर्जी का लेवल अच्छा रखें,
इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अपने काम में कोई गलती नहीं करेंगे। वही फाइनेंस में देखें तो हो सकता है कि पैसे से जुड़े किसी मामले में आज आप जोश में आकर कोई गलत फैसला कर बैठे। आज कामकाज के समय आप अपने इमोशन पर कंट्रोल रखें। हेल्थ में आज आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी के अनुसार शाम 4 बजे से शाम 6 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी होने वाला है। हल्का हरा आपके लिए लक और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक सिंह राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज कुछ प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। आज आपको क्रिएटिविटी से काम करना चाहिए, फिर तो नेगेटिव सिचुएशन में भी आप आसानी से काम कर पाएंगे। बस आपको अपने गुस्से पर थोड़ा काबू करना सीखना पड़ेगा, खासकर कि कठिन समय में यदि आपको ऐसा लगता है कि चीजें आपके हाथों के बाहर निकल रही है तो रिलेशन में थोड़ा सा झुक जाइए। बात करें लव लाइफ की तो आज आपका पार्टनर आपके लिए लकी होगा। टेंशन से हटकर पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अपने रिश्ते को खुद आगे ले जा सकते हैं। आज उसे आप महसूस कराएं कि इस दुनिया में उसके लिए आपसे बढ़कर कोई भी खास नहीं हो सकता। करियर में आज आप ऑफिस की परेशानियों को भूलकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर सकते हैं। काम के सिलसिले में आप पिछले कुछ समय से ट्रैवलिंग कर रहे थे, वैसा ही काम जल्दी ही फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। फाइनेंस में सक्सेस के दम पर आप अपने सपने को साकार कर लेंगे। इस तरह आपने जो टारगेट सेट कर रखा था वो भी पूरा होगा। जो भी हो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना प्रयास जारी रखें। हेल्थ से रिलेटेड कुछ परेशानी आ सकती है। आप महसूस करेंगे कि आप किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है, लेकिन ये सब आपकी रोज की भागदौड़ के कारण है। बैंगनी आज आपका लकी कलर है। जरूरी कामों पर ध्यान देने के लिए शाम 4 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच में बताया जा रहा है। धनु राशि। धनु राशि के जातक जीवन में सौभाग्य लेकर आएंगे। इससे आप संतुष्ट महसूस करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। करियर के बेहतर विकल्प आपके सामने आ सकते हैं। किसी प्रॉब्लम के कारण आपको काफी परेशानी हो सकती है। लव लाइफ की बात करें तो आज आप दूसरे सारे कामों को छोड़कर पार्टनर के साथ समय बिताना चाहेंगे। डेली रूटीन से हटकर आप फिल्म देखने या दूर घूमने जा सकते हैं। खासकर आज की शाम आप दोनों के लिए सुहानी है। प्यार को जितना हो सके बढ़ाएं। करियर में आज आपको एहसास होगा कि आप अपनी मेहनत से ही इतने आगे आ सके हैं। सक्सेस पाने के लिए लगातार पूरा ध्यान लगाकर काम कर सकते हैं। लगातार काम करने से आपको अपने कलीग से थोड़ी मदद भी मिलेगी। फाइनेंस में इस समय आपको सही इनकम की जरूरत होगी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण आप थोड़ा टेंशन में आ सकते हैं। सही बजट बनाकर काम कर सकें। हेल्थ में अगर आपके बालों की समस्या है तो अब वो सुधरती हुई नजर आ रही है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी के अनुसार सुबह 2:30 से 3:30 बजे के बीच कोई भी जरूरी काम निपटा लें। वॉयलेट आज के लिए आपका शुभ रंग रहेगा। मकर राशि। मकर राशि के जातक सिंह राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बदल सकता है। आप किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। वही अपने अनुभव के हिसाब से काम करें। हो सकता है आपके जीवन में कुछ चेंजेस आ जाएं। आज किसी नए परिचित से आपकी मुलाकात हो सकती है। वही लव लाइफ की बात करें तो आज आप दोनों के रिश्ते में गहराई बढ़ेगी। अगर आपको किसी मामले में कठिनाई महसूस हो रही है तो अपने पार्टनर से जरूर सलाह लें, यह आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। एक दूसरे को पूरी तरजीह दें। करियर में आज आपको आपके काम की सही दिशा चुननी चाहिए। ऑफिस में काम के बोझ के कारण आप अपने करियर को बदलने के बारे में भी सोचेंगे। आपको अपने सभी ऑप्शंस के बारे में सोच लेना चाहिए। इससे आपको आगे जाके फायदा ही होगा। फाइनेंस में आज आप अपने परिवार के किसी सदस्य से थोड़ी मदद ले सकते हैं। आपके दोस्त भी आपसे आज उधार चाहेंगे। इसके लिए आप अच्छी तरह से सोच विचार कर सकेंगे। हेल्थ में आपको जोड़ों में दर्द रहेगा। आप थोड़ा आराम करें और एक्सरसाइज करें ताकि टेंशन से थोड़ा आराम मिले। आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी के अनुसार 2:00 से 5:00 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी होगा। बैंगनी आज आपका लकी कलर है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक अपने रिश्तों में संतुलन बनाने के लिए आप जो प्रयास करते हैं वो बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है।
आज आप अपनी पर्सनल रिलेशन को लेकर पॉजिटिव फील करेंगे, वही आप में से कुछ लोग अपने जीवन में बैलेंस बनाकर काम कर सकेंगे। हो सकता है कि आपको कुछ समय अकेले बिताकर थोड़ा अच्छा फील हो, कुछ समय आप आराम कर सकेंगे। लव लाइफ की बात करें तो गलतफहमी और विवाद से आज आपको निराशा होगी। आप विवादों में ना उलझे, क्योंकि विवाद से आप दोनों के बीच की निराशा और दूरियां ही बढ़ेंगी। आप अपने विचारों को अपने साथी के समक्ष रखें। करियर में आज आपको अपने बॉस को खुश करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप प्रमोशन की इच्छा रखते हैं और अपने बॉस पर अच्छा इफेक्ट छोड़ सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जल्दी ही उनकी नजर में आ सकते हैं, जिसका आपको जल्दी ही प्रॉफिट भी मिलेगा। फाइनेंस में आज आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। आज का दिन किसी बड़ी खरीदारी का है। बैलेंस का ध्यान रखते हुए ही सभी निर्णय लें। आज परिवार की सेहत का ख्याल रखना होगा, आपकी सेहत मजबूत रहेगी। दिन के लिए आपका लकी कलर ऑरेंज है। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच किसी भी चीज की योजना बना सकते हैं। मीन राशि के जातक सिंह राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण अगर किसी रिलेशन को लेकर टेंशन है तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी। आज प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए आपको थोड़ी चतुराई से काम करना चाहिए, इससे आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आपको अपने रिश्तों में कुछ भी गलत बात नहीं लाना चाहिए। एक्सपीरियंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ काम करें, देखिएगा आप अपने टारगेट को पा लेंगे। लव लाइफ की बात करें तो आज आप रोमांटिक हो सकते हैं और थोड़ी लड़ाई झगड़े और नोकझोंक भी हो सकती है। बस आप अपने बोलने पर कंट्रोल रखें, क्योंकि इससे आपका मूड ही खराब होगा। अगर करियर की बात करें तो करियर में आप लगातार अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप ऑफिस में बहुत ज्यादा काम करना शुरू ना कर दें। आप पर काम का बोझ ऑलरेडी बहुत बड़ा हुआ है और आप कुछ थका हुआ भी आज महसूस करने लगेंगे, तो बैलेंस बनाकर काम करें। फाइनेंस में देखें तो आज किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज आपको फाइनेंशियली ग्रोथ भी मिल सकती है। वहीं हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स होने की संभावना दिख रही है। पॉजिटिव एनर्जी के लिए पीले रंग के कपड़े पहने। दोपहर 3 से 4 बजे के बीच जरूरी काम की योजना बना सकते हैं। ये राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। अगर आप कुंडली, विवाह, पंचांग, शुभ मुहूर्त, राशिफल आदि से संबंधित या व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से और पाएं अपनी समस्या का समाधान इंडिया के बेस्ट ज्योतिष आचार्यों से। एस्ट्रो योगी, पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में। अभी डाउनलोड करें।